लेखा शास्त्र की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बच्चों। लेखांकन के सिद्धांत, अपन अध्याय दो लेखांकन के सिद्धांत पर क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो पहले अपन ने लेखांकन के आधारभूत मान्यताएं और अवधारणाएं क्या थी पढ़ी। तो इसके आगे है लेखांकन की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी हैं। तो लेखांकन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लागत। कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे अपन, उसके लिए लागत की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण अवधारणा, तो पहला है लागत अवधारणा। किसी भी व्यवसाय में सबसे पहले लागत। लेखांकन की इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक माल, मतलब जो अपन ने माल खरीदा या संपत्ति का लेखा, जो भी संपत्ति का लेखा वास्तविक लागत करना चाहिए। जो अपन लेखा का उपयोग करते हैं, लेखा बनाते हैं, तो उसमें संपत्ति का लेखा वास्तविक लागत पर करना चाहिए। भले ही माल या संपत्ति का लागत मूल्य बाजार से कम हो या अधिक हो, अपन को जब भी कोई अपन खाता बनाएंगे, लेखा करेंगे, तो इसकी अवधारणा है कि प्रत्येक माल अथवा संपत्ति का लेखा लागत करना, मतलब जो लेखा है उसकी वास्तविक लागत पर क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। भले ही माल माल और संपत्ति की लागत मूल बाजार मूल्य से कैसी हो, कम हो या अधिक हो, इससे इसको लेखे में अंकित करना, ये महत्वपूर्ण अवधारणा है इसकी, लेखांकन की। फिर है द्विपक्षीय अवधारणा। दो पक्ष होते हैं, कोई भी आप खाता बनाएंगे, तो द्विपक्षीय अवधारणाएं। द्विपक्षीय अवधारणाएं वह होती हैं जिसपे स्पष्ट करती है कि प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, या एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट, जिसमें एक पक्ष नामे और दूसरा पक्ष होता है जमा। तब एक पक्ष अपन डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट होते हैं, उसमें आपने जो वस्तु एक पक्ष में अपन नामे, मतलब जो वस्तु अपन ने ली, और दूसरा पक्ष होता है जिसमें अपन जमा करते हैं। उसी जमा में से अपन क्या करते हैं, फिर खर्च करते हैं। प्रत्येक सौदे का लेखा इसी आधार पर, मतलब आय और व्यय के आधार पर किया जाता है। जो अपन लेखा बनाते हैं तो इसके, मतलब डेबिट और क्रेडिट के आधार पर ही लेखे तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सौदे का लेखा किया जाता है। फिर है वसूली की अवधारणा। वसूली वसूली के संबंध में अवधारणा है कि जिसे, मतलब जिस तिथि पे आपने माल अथवा वस्तुओं को क्रेता के सुपुर्द की, मतलब कोई वस्तु अपन ने खरीदी और खरीदने के बाद जो क्रेता है उसको सुपुर्द की, तो उसका भी लेखा करना। यह तिथि सौदे की तिथि मानी जाती है। आपने कभी भी माल खरीदा, लेकिन जिस वक्त आप, मतलब जिस समय आप वस्तु को क्रेता को सुपुर्द करेंगे, तिथि उसी तिथि में वह मानी जाएगी। मतलब आप मान लीजिए, अगर आपने 4 तारीख को किसी को, 2 तारीख को आपने माल खरीदा, लेकिन जो क्रेता है उसको आपने 4 तारीख को सुपुर्द किया, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह तिथि, जो तिथि है वह सौदे की तिथि 4 तारीख मानी जाए। अतः देश में, अतः आदेश की तिथि व माल के निर्माण की तिथि को विक्रय तिथि नहीं मानना चाहिए। तब आप जो जिस तिथि में माल के निर्माण की तिथि को विक्रय की तिथि नहीं, मतलब आपने आज कोई वस्तु का उत्पादन किया, मान लीजिए आपने कोई वस्तु उत्पादित की, उसका निर्माण किया, तो विक्रय की तिथि उसी दिन नहीं मानना चाहिए। जब माल बन जाएगा तो आप किसी को जब सुपुर्द करेंगे तो उस तिथि को क्या करेंगे, विक्रय की तिथि मानना चाहिए। इस मान्यता के अनुसार लेन देन का लेखा उपार्जन वसूली आधार किया जाता है। मतलब आप जिस दिन किसी वस्तु का विक्रय करेंगे, इस मान्यता के अनुसार लेन देन का लेखा भी, या उपार्जन, उपार्जन को वसूली भी कहते हैं, वसूली का आधार भी किया जाता है। मतलब तो आप जिस व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आपने कोई माल दिया, तो उसी दिन से उस व्यक्ति की, मतलब कोई जो व्यापार, बड़े व्यापार होते हैं, इस
मान्यता के अनुसार इस मान्यता के अनुसार लेन देन का लेखांकन उपार्जन आधार पर किया जाता है। लेन देनों को होते ही उपार्जन आधार पर उसका लेखांकन किया जाता है। आप किसी को जब कोई वस्तु या विक्रय कर देते हैं तो उसके लेन देनों के आधार पर ही उपार्जन का आधार लेखांकन में किया जाता है कि किस आपने किस तिथि में विक्रय किया और किस तिथि में आपने लिया, इसका लेखांकन उपार्जन के आधार पर ही इसका लेखांकन किया जाता है। तो ये वसूली की अवधारणा। चौथा है पूंजी अवधारणा। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले काय की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। इस अवधारणा के अनुसार पूंजी संबंधित व्यवहारों का लेखा अलग से किया जाना चाहिए। तब आपके पास जो जमा पूंजी है उसको आप पहले पूंजी के संबंध में व्यवहारों का लेखा कैसे करेंगे, अलग से करेंगे। व्यवसाय के शुद्ध लाभ, हानि, एकल व्यापार, साझेदारी फर्म, पूंजी खाते में क्या करते हैं, इसको हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब जो आपको व्यवसाय में शुद्ध लाभ हुआ, हानि, एकल व्यापार आप अकेला, फिर साझेदारी फर्म मतलब मिलजुल कर जो फर्म बनाई जाती है वो कहलाती है साझेदारी फर्म, एकल व्यापार मतलब आप अपना शेयर जो व्यापार कर रहे हैं, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इन सब मदों को काय पर हस्तांतरित करते हैं, पूंजी खाते मद में हस्तांतरित कर दिया जाता है। परंतु प्रामंडल की दिशा में ऐसा नहीं किया जाता। इस अवधारणा के आधार पर व्यवसाय की लाभ अर्जन शक्ति का पता लगाया जा सकता है। इसे पूंजी की अवधारणा से कि आपको लाभ हानि कैसे, आपका शुद्ध लाभ हानि और जो पूंजी हस्तांतरित हुई सबके लिए इस अवधारणा के आधार पर ही मतलब व्यवसाय में जो लाभ हुआ उस लाभ व्यवसाय की लाभ अर्जन मतलब जो आपको व्यवसाय से लाभ प्राप्त हुआ इससे इस शक्ति का पता लगाया जा सकता है। कैसे? पूंजी से। फिर है अनुरूपता की अवधारणा। इस अवधारणा में वित्तीय वर्ष के वास्तविक लाभ अथवा हानि की गणना करने के लिए मतलब जो अनुरूपता के व्यापार को जो करते हैं तो अनुरूपता की अवधारणा के अनुसार वित्तीय वर्ष मतलब एक वर्ष जो आप जिस वर्ष में आपने व्यवसाय शुरू किया उस वर्ष का वास्तविक लाभ और हानि की गणना करने के लिए चालू वर्ष के सभी आय व्यय को सम्मिलित करना चाहिए। जब आपने व्यवसाय शुरू किया तो उस वित्तीय वर्ष में आपने उससे आपको लाभ हानि की गणना एवं वर्ष में आय व्यय को भी क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई व्यवसाय किया 10,000 रुपये 10,00,000 रुपये में, है ना, तो आपने जो व्यय किए जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का व्यय किया उसकी गणना, तो ये सब इसमें क्या किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं आय और व्यय की गणना। ये आपका व्यय हो गया, आपको आपने व्यवसाय में अगर व्यय किया है तो आपको आय भी होगी, तो ये सब क्या करना चाहिए, आय व्यय में भी सम्मिलित मतलब जो चालू वर्ष की जो गणना करते हैं उसमें आय व्यय भी सम्मिलित करना चाहिए। चालू वर्ष में आदत व्यय मतलब आपने जब व्यापार शुरू किया तो चालू वर्ष में आपने जो आदत व्यय किए पूर्वोदत्त मतलब जो पहले से जो व्यय दिए आपने, उपार्जित आय मतलब जब आपने व्यवसाय किया जिससे आपको आय प्राप्त हुई तो उपार्जित आय कैसी हुई, अनुपार्जित आय मतलब आपको आय प्राप्त नहीं हुई, इन सबको भी शामिल किया जाना चाहिए जब आप लेखा बनाएंगे। अनुरूपता की अवधारणा का मतलब कि आप कोई जब वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बनाएंगे तो उसमें आपको आदत व्यय, पूर्वोदत्त व्यय, उपार्जित व्यय, अनुपार्जित व्यय, इन सब क्या करना पड़ेंगे, शामिल किया जाना चाहिए, जिससे आपके वित्तीय वर्ष का लेखा जो है आपके सामने मतलब जो वित्तीय वर्ष में जो आपने लेखा बनाया उसका सही सही परिणाम आपके सामने आ सके। तो ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, चार अवधारणाएं पढ़ी आपने, लागत अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, वसूली की अवधारणा, पूंजी अवधारणा और अनुरूपता की अवधारणा। तो ये सब अवधारणाएं लेखांकन के सिद्धांत की हैं। तो लेखा जो
लेखांकन का आधार, अभी आपने महत्वपूर्ण अवधारणाएं पढ़ी, अब 2.3 में लेखांकन का आधार। किसी व्यवसायिक संस्था का प्रमुख उद्देश्य लेखा अवधि के अंत में, मतलब किसी भी व्यवसायिक संस्था होती है, कोई भी फर्म होती है, उसमें लाभ हानि ज्ञात करना होता है। आप कोई भी व्यवसाय शुरू करोगे, उसकी लेखा अवधि में अंत में आप क्या बनाते हो, लाभ हानि का खाता बनाते हो, चिट्ठा बनाते हो। तो लाभ हानि ज्ञात करने के दो अधिकार, दो आधार होते हैं, एक नकदी या रोकड़ आधार या उपार्जन, और तीसरा होता है मिश्रित आधार। मिश्रित आधार, तो कितने आधार होते हैं रोकड़ आधार को बनाने के लिए, नकदी आधार, रोकड़ आधार, उपार्जन आधार और मिश्रित आधार। तो लाभ हानि का खाता बनाने के लिए आपके फिर है लेखांकन का नकदी आधार। इसके अंतर्गत मतलब लेखांकन जो कर रहे हैं उसके जो नकदी आधार है उसके बारे में, इसके अंतर्गत आय अथवा लाभों को पुस्तकों में तब तक नहीं किया जाता जब तक कि रोकड़ से प्राप्त ना हो। तो हम आय अथवा लाभ को लेखांकन पुस्तकों में तब तक नहीं लिखते जब तक उससे रोकड़ से कुछ प्राप्त ना हो जाए। व्ययों का लेखांकन तभी किया जाएगा जब उसका भुगतान नकदी होता, जब आपने व्यवसाय में जो भी व्यय किए। इसी प्रकार व्ययों का लेखांकन तभी किया जाएगा जब भुगतान नकदी कर दिया जाए। लाभ का आधार आय एवं व्यय में अंतर, साधारण रूप से संस्था को प्राप्त हुआ संस्था में भुगतान की प्राप्ति खाते की सहायता से क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। साधारण रूप से जो संस्थाएं होती हैं उनसे प्राप्त जो भी भुगतान है उसकी प्राप्ति खाते की सहायता से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं जिनका मतलब जो पेशेवर का व्यापार, पेशेवर जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए नकदी आधार महत्वपूर्ण होता है। तब जो सेवाएं देते हैं, जो पेशेवर जैसे हो गए वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब जो है ये पेशेवर व्यक्ति होते हैं, तो इनका जो जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं इनका आधार क्या होता है, नकदी आधार कैसा होता है, महत्वपूर्ण होता है। इनके लेखांकन नकदी के आधार का गुण एवं लाभ, ये आधार सरल एवं वास्तविक होते हैं। तब जो ये इनका जिनको आय व्यय होता है, जो रोकड़ प्राप्त होती है, उनका लेखांकन व्ययों के आधार पर तभी किया जाएगा जब उसमें नकदी कर दिया जाए, नकदी भुगतान कर दिया जाए। तो ये जो पेशेवर लोग हैं इनको नकदी भुगतान, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यह आधार कैसा होता है, सरल एवं वास्तविक होता है। और ये रूढ़िवादी प्रवृत्ति की संतुष्टि पर यह आधार करता है, नगद लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए उपयुक्त होता है। मतलब जो संस्थाएं नगद लेन देन करती हैं उसके लिए लेखांकन की नकदी आधार कैसा है, उन संस्थाओं के लिए कैसा होता है, उपयुक्त होता है। तो ये गुण हो गए। अब ये इसकी हानि हो गया, लेखांकन की नकदी का हानि, वित्तीय स्थिति का सच्चा एवं उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करता। मतलब ये लेखांकन जो है, लेखांकन नकदी आधार का जो हानि है वह वित्तीय, मतलब जो वित्तीय स्थिति है उसका उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करता। दूसरा, लेखांकन के मिलान सिद्धांत की उपेक्षा करना, रोकड़ में हेराफेरी की संभावना रहती है। नकदी मतलब जो लेखांकन का नकदी आधार है उसमें हेराफेरी की संभावना रहती है। फिर पूंजीगत एवं आगमगत अंतर करने में सामर्थ्य नहीं है, उसमें कंपनी अधिनियम 1956 में मान्यता प्रदान नहीं करता। ये जो लेखांकन या नकदीकरण का आधार है उसमें कंपनी अधिनियम 1956 के आधार पर इसको मान्यता प्रदान नहीं करता। तो लेखांकन का नकदी आधार, लेखांकन इसके अंतर्गत आय और लाभों को, जो आय होती है और लाभ होते हैं उसको तब तक मतलब आप पुस्तक में नहीं लिख सकते जब तक उससे आपको रोकड़ प्राप्त ना हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति की कोई सेवाएं दी, जब आपको जब तक वह आपको मुद्राएं मतलब रोकड़
उसके बाद है दूसरा है इसका लेखांकन का उपार्जन आधार। जो लेखांकन होता है उसका दूसरा आधार होता है उपार्जन। इस आधार पर लेखांकन का उपार्जन होता है, चाहे रोकड़ प्राप्त हो या ना हो। तो लेखांकन का आधार क्या होता है? लेखांकन का उपार्जन आधार। इसका आधार है लेखांकन का आधार उपार्जन होता है, चाहे आपको रोकड़ प्राप्त हुई हो या ना हुई। आय का उपार्जन ही पर्याप्त है, जब किसी को आय का उपार्जन तब प्राप्त है यह स्पष्ट है कि देना उचित ना होगा। यहाँ पर स्पष्ट देना अनुचित ना होगा, जैसे आदत व्यय हो गए आपके, पूर्वदत्त व्यय हो गए, मतलब पहले उपार्जित अनुपार्जित आय का लेखा, आपको क्या आय प्राप्त हुई और क्या प्राप्त नहीं हुई उसका लेखा पुस्तकों में क्या किया जाता है, पुस्तकों में किया जाता है लेखा में, मतलब जो आय का लेखा है उसमें पुस्तकों में इनको लिखा जाता है। सन 1956 में के तहत कंपनी अधिनियम को इस आधार की मान्यता करता है कि लेखा अनिवार्य करता है एवं लेखा अनिवार्य करता है। इसके लाभ है सही स्थिति प्रगटीकरण। इसकी आप मतलब जो वित्तीय वर्ष की स्थिति होती है वह प्रगटीकरण, गणना में एकरूपता, मतलब लेखांकन का जो आय उपार्जन है उसकी गणना में क्या होती है, एकरूपता होती है। ये मिलान सिद्धांत का पालन करना, इसका उसको आसानी से इसका मिलान सिद्धांत में पालन। फिर है पूंजीगत एवं आगमगत व्ययों में उचित अंतर, मतलब जो पूंजीगत और आगमगत व्ययों की उचित अंतर। फिर कंपनी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त, मतलब जो लेखा उपार्जन आधार है, जो लेखों से आय का उपार्जन कैसे करना, लेखा का आय का उपार्जन चाहे वह रोकड़ प्राप्त हुई हो नहीं हुई हो, इसके लिए तो कंपनी अधिनियम के तहत इसको क्या है, मान्यता प्राप्त है। इसका जो इससे हानियां भी हैं, अगर इससे लाभ है तो इससे हानि भी है कि यह लेखांकन का जो उपार्जन का आधार वो कैसा है, कठिन है, और दूसरा इसमें अनुमानों पर आधारित होता है, मतलब आपको आदत पूर्वदत्त उपार्जित अनुपार्जित आय का लेखा बनाना है तो इनको अनुमानों पर आधारित, तो ये लेखा है तो कैसा है, अनुमान पर आधारित है और व्यक्तिगत निर्णय से इसको क्या होती है, हानि होती है। तो ये उसकी क्या हो गई, हानि। तो विद्यार्थी आज आपने महत्वपूर्ण लेखांकन सिद्धांत के पाठ पर आपने आज महत्वपूर्ण अवधारणाएं पढ़ी और लेखांकन के आधार पढ़े। तो लेखांकन के दो आधार होते हैं, लेखांकन का नकदी आधार और दूसरा है लेखांकन का उपार्जन आधार। धन्यवाद बच्चों।